Every family vacation, my kids break into the can-can. Can we go to the theme park? Can we go to a ball game? Can we get snacks? It can get expensive. But at Red Roof, we get a great price on clean, comfortable rooms and wake up rested and ready to hit the road again. This summer, when we rest and repeat at Red Roof, staying two separate times can earn us a free night. Plus, Ready Reward members can save up to 20% with exclusive rates. Book at redroof.com. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नए जोश टॉक्स पॉडकास्ट के एपिसोड पर। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत नाग। आज की कहानी इस बात का सबूत है कि ईश्वर जब हमसे कुछ लेता है तो उससे 100 गुना ज्यादा हमें चीज देता है। आज हमारे अतिथि एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें न केवल पूरा भारत जानता है पर जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है अपने खेल और जुनून से। मैं बात कर रहा हूं ओलंपियन दीपा मलिक की, जिन्होंने शॉटपट, डिस्कस और जैवलिन थ्रो में कई पदक जीते हैं। आइए जानते हैं कि दीपा की सफर कैसे शुरू हुई। मैं दीपा मलिक आज अपनी कहानी आप सबके साथ बांटने और सुनाने आई हूं। मेरी कहानी शायद मेरे बचपन से शुरू करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक ऐसी उम्र जहां नन्ही दीपा खेलती थी अपने भाई के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर, कभी उसके क्रिकेट बैट से, कभी उसकी फुटबॉल से। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बिस्तर पे ज़्यादा बैठने लगी थी। शायद उस वक्त मेरे अंदर के जो खेलों का प्यार या जो क्रिकेट बैट और फुटबॉल को मारने का प्यार, अगर मेरे पिता ने न पहचाना होता तो कभी ये भी नहीं पहचाना होता कि मेरे अंदर अंदर ट्यूमर पल रहा है। उनकी ज़िद थी, उन्होंने डॉक्टरों को मुझे दिखाया और कई अस्पतालों और कई शहरों में गुजरने के बाद एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते पूना में कमांड हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कराया गया, जहाँ उन्होंने अपनी पोस्टिंग भी ली। अक्सर मैंने कमरे के कोने में अपनी माँ को छुप कर रोते हुए देखा था कि क्या मैं कभी चल भी पाऊँगी। और वही समाज के ताने जो बचपन में शायद मेरे कानों में नहीं गूंजे, छोरियां तो भगवानों की मरा करे है, आ छोरी तो कतई कंडम होगी, पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, भाई इमके होगा, इसके तो छोरा भी ना है, दो छोरियां से। मात्र 6-7 साल की उम्र में मुझे बेल्टों से फ्रेम के अंदर और कैलिपर्स पहनाकर, जो लोहे की लंबी लंबी छड़ें जो पोलियो जैसे जब बीमारी होती है उसमें बांधी जाती है, उसे बांधकर मुझे खड़े करने की प्रैक्टिस कराई जाती थी, मुझे चलने के लिए जोश दिया जाता था। लेकिन जब मैं उसमें खड़ी होती थी तो जहाँ जहाँ वो बंधता था वहाँ छाले पड़ जाते थे, वहाँ पे खून रिसता था और बहुत तकलीफ़ होती थी। पर उस तकलीफ में से भी मैंने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख सीखी कि जब भी आप अपनी छोटी सी तकलीफ या अपने दर्द के ऊपर उठकर अपने बड़े सपने की ओर गौर करते हैं, और उस वक्त जो सपना मुझे दिखाया जा रहा था वो था कि आपको दोबारा चलना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। और वही हुआ, मैं उस दर्द को भुलाकर अपने चलने की प्रैक्टिस करती थी और धीरे धीरे 1 कदम 2 कदम 4 कदम और मैं फिर से दौड़ने भागने लगी। बचपन की वो बीमारी शायद एक धुंधली याद रह गई। कोई मेरी पीठ देख लेता था और पीठ पे कटा हुआ निशान देख लेता था तभी उसको ध्यान आता था कि ये क्या है और ये क्या तकलीफ थी। उसके अलावा मैं अपने स्कूल में खूब खेली, खूब पार्टिसिपेट किया और कॉलेज लाइफ में भी मैंने बास्केटबॉल भी खेला, राजस्थान की पहली क्रिकेट टीम का भी मैं हिस्सा बनी और जिंदगी फिर आगे बढ़ी। दीपा के लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड के वजह से ही वे वापस अपने पैरों पर खड़े होकर भागने और दौड़ने लगी। कहते हैं कि यदि आप अपना नजरिया बदल के देखते हैं तो आपके नेत्र जो नजरिया देखते हैं वो भी बदल जाते हैं। पर दीपा जी का ट्यूमर भी जिद्दी था और एक बार फिर
दीपा को सताने वो लौट आया। जब सब कुछ ठीक होने लगा तो एक फिर से एक ऐसी घड़ी आई जब डॉक्टरों ने मुझे केवल 7 दिन दिए मेरी MRI के बाद कि आपके ट्यूमर्स वापस आ गए हैं और चलने के लिए अब आपको केवल 7 दिन देते हैं, क्योंकि जब आपकी सर्जरी होगी और ये ट्यूमर निकाला जाएगा, चूंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बैठा है, इसके कटते ही आपका दिमाग और बचे हुए शरीर का कनेक्शन कट हो जाएगा और छाती का निचला हिस्सा पूरा जाता रहेगा। और ये भी हो सकता है कि ट्यूमर निकालते वक्त जितना भी इन्फेक्शन है वो शायद ब्रेन तक स्प्रेड हो जाए या बॉडी में चला जाए और शायद आपकी जान भी जाती रहे। ऑपरेशन के लिए मुझे तैयार करके जब ले जाने लगे तब डॉक्टर से मैंने एक बात कही। मैंने कहा, क्या स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर न जाकर मैं चलकर जा सकती हूँ? क्योंकि जैसा आप लोग कह रहे हैं कि मैं जी गई तो मैं चल नहीं पाऊँगी। तो डॉक्टर मेरे साथ चले और उन्होंने मुझे 3rd माले के ऑपरेशन थिएटर पे लेके जाना था, और वो लिफ्ट की ओर बढ़े तो मैंने सीढ़ी की ओर अपनी नज़रें करी, और जब मैं वो सीढ़ियाँ चल रही थी तब मैंने नीचे झुककर देखा कि वाकई मेरे पास टांगे थी। आप में से कितने लोग हैं जो रोज़ उठकर अपने हाथों को देखकर, अपने आँखों को देखकर या अपनी टांगों को देखकर अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करते हैं? हमारा पूरा जीवन शायद इसी चीज़ में चला जाता है कि मेरे पास क्या नहीं है, और हम जो है उसको सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। जो चीज़ नहीं है उसकी इच्छा रखना, उसके लिए मेहनत करना अच्छा है, लेकिन जो चीज़ है उसके लिए धन्यवाद की भावना रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो जीवन को खूबसूरत बनाती है, वो भावना। आगे बढ़े और मैं सर्जरी के लिए जब अंदर गई, और वो दिन 3 जून 1999 और आज का दिन, लगभग 22 साल हो गए हैं, मैं छाती के निचला हिस्सा लकवा से ग्रस्त हूँ। मेरे पास दोनों हाथ इकट्ठे उठाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में बैलेंस नहीं है। मेरे फेफड़े आधे ही सांस भरते हैं, आधे पैरालाइज्ड हैं। मेरे पीठ पर लगभग 200 टाके हैं और 7 वर्टिब्रल कॉलम्स को कट कर दिया गया है। उसके अंदर कोई भी स्टील रॉड, टाइटेनियम प्लेटिंग या बोन फ्यूजन नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे हर 2 वर्ष में MRI के अंदर जाना पड़ता है और उस मशीन में ऐसा कोई भी लौह पदार्थ नहीं जा सकता। तो समय के साथ मेरी पीठ में एक काइफोटिक डिफॉर्मिटी डेवलप होती जा रही है। तो इस शरीर में मैं आज 20 साल से जी रही हूँ, लेकिन उस दिन जब मैं इस शरीर में बाहर आई थी तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं पैरालाइज हो गई हूँ, मैं लकवाग्रस्त हो गई हूँ। मैं ये सोच रही थी कि मैं जीवित हूँ, मैं अपनी नन्ही बच्चियों को बड़ा होते हुए देख पाऊँगी। जब मैं उस चीज़ से खुश हो रही थी, दुनिया मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगा रही थी, वो कि ये कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, ये घर कैसे चलाएगी, ये खाना कैसे बनाएगी, ये बाहर कैसे जाएगी। मेरी पहचान केवल एक ऐसी महिला की बनकर रह गई जो दूसरों पे आश्रित है, जो बोझा है, जिसकी वजह से घर में खर्चा होगा, और मुझे ये पहचान मंजूर नहीं थी। मैं ताउम्र उस पहचान को लेकर नहीं जीना चाहती थी, क्योंकि मेरा शरीर शायद लकवाग्रस्त हुआ था पर मेरी आत्मा को लकवा नहीं हुआ था, मेरे अंदर की दीपा को लकवा नहीं हुआ था। दीपा अब 2 कठिन चुनौतियों का सामना साथ कर रही थी। एक ओर उनकी हेल्थ थी और दूसरी ओर समाज के ताने, पर किसी तरह अपने अंदरूनी ताकत के जरिए वे इन दोनों कठिनाइयों से लड़ती रही। शायद सही कहते हैं कि ईश्वर अपने सबसे बहादुर जवानों को ही सबसे कठिन चुनौतियां देता है। और एक बार अपनी हिम्मत संजो के मैं निकल पड़ी अपने मिशन पे, जिसको मैं एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी कहती हूँ। फिर एक दिन मैं उठी और मैंने कहा, अब बहुत हो गया,
मुझे अपनी बेटियों के लिए एक ऐसी उदास माँ बनकर नहीं रहना है कि जब वो बड़ी हों तो वो जब मुड़कर देखें तो वो कहें कि उनकी माँ अपंग थी। मुझे एक गुरु की भूमिका निभानी थी, क्योंकि माँ ही बच्चों की पहली गुरु होती है। तो मैं बहुत खुश नसीब थी कि मेरी दो बेटियाँ थीं, जहाँ से मेरी हिम्मत उठकर आई। पहला कदम ये था कि मैंने एक केटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, पहले होम डिलीवरी टिफ़िन सिस्टम से, उसके बाद धीरे धीरे एक पूरा गार्डन रेस्टोरेंट। मुझे एक आर्थिक बोझा समझा जा रहा था, और एक समय ऐसा आया कि मेरी अर्निंग मेरे पति से भी ज़्यादा होने लगी। और वहाँ से जब मैं लोकल लोगों से मिलने लगी, बातचीत करने लगी, तब मुझे पता लगा कि महाराष्ट्र में खेल भी होते हैं, हम जैसे लोगों के लिए खेल भी होते हैं। या तकनीकी इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि अगर मैं दोबारा मोटरसाइकिल चलाना चाहूँ तो कस्टमाइज करके मोटरसाइकिल आज की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हिसाब से वो हो सकती है, क्योंकि विदेशों में वो हो रही है। तो जब विदेशों में हो रही है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती? ऐसा विचार लेकर मैंने ढूंढना शुरू किया, और ढूंढते ढूंढते जब मैं ये कर रही थी तो मुझे कहा गया कि ठीक है, मोटरसाइकिल बन भी गई तो केवल हाथों से कैसे कंट्रोल करोगे, आपके तो कंधों के बीच में 200 टांके हैं और कमज़ोर हैं कंधे। तो फिर मुझे समझ आया कि मुझे कंधों में जान भरनी है, और उस जान भरने के लिए मुझे पानी में उतारा गया और पानी की एक्सरसाइजेस करानी शुरू करी, और सडनली मेरे अंदर एक स्विमर पैदा हुई, क्योंकि जब मैं डूबी नहीं मतलब मैं तैराक हूँ। तो तैराकी करने में मुझे एक एहसास हुआ आज़ादी का, जो शरीर पानी के बाहर लोग उठाकर रखते थे, और जब भी रखते थे तो कहते थे कि चार लोग देखो इसकी अर्थी उठा रहे हैं। लेकिन पानी में तैरने के बाद जब मैं खेलों से जुड़ी, मैं नेशनल्स में 3 गोल्ड, 3 नए स्ट्रोक सीख कर जीत कर जब आई, और 3 नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए, और मलेशिया में जाने का मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं वहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया का ट्रैक सूट लगाकर हाथ में मेडल लेकर जब लौटी, तो वही व्हीलचेयर को मैं यूँ कहती हूँ कि चार लोग आपकी नज़र में अर्थी उठाते हैं, लेकिन चार लोग महारानी की पालकी भी तो उठाते हैं। खेलों ने मुझे एक नया वजूद दिया, अपनी ज़िंदगी में एक नया मकसद दिया। एशियाई खेलों में मैंने मेडल जीता, 2010 में पहली भारतीय महिला बनी जिसने एथलेटिक्स में देश को मेडल दिया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैं पहली भारतीय महिला बनी एथलेटिक्स में, और फिर 2014 में दूसरे एशियाई खेलों में मैंने फिर से एक रिकॉर्ड बनाकर देश के लिए मेडल लिया, और वर्ल्ड नंबर 2 जैवलिन में होने के बाद मुझे लगा 2016 के जो रियो पैरालंपिक्स हैं उसमें अब मैं अपना स्थान बना पाऊंगी, क्योंकि वो मेरा सपना भी था। लेकिन सबसे बड़ा झटका मुझे जब लगा जब साथी खिलाड़ी मुझे हाईकोर्ट में ले गए ये कहते हुए कि इन्होंने अपना रियो का सिलेक्शन चीटिंग करके करवाया है, ये अर्जुन अवार्डी हैं, ये उम्र में बड़ी हैं, ये अंग्रेज़ी बोल लेती हैं, इसीलिए ये ओलंपिक में सेलेक्ट हुई हैं। वो बात ने मुझे बहुत बहुत दर्द दिया। शायद ज़िंदगी का सबसे दुखी पल वो था जब एक फ़ौजी की बीवी, फ़ौजी की बेटी, फ़ौजी की बहन और फ़ौजी की बहू पे ये इल्ज़ाम लगा कि उसने मेहनत नहीं बल्कि चीटिंग से अपना सिलेक्शन कराया है। एक ऐसा वक्त जो मुझे पूरा तैयारी में देना था वो हाईकोर्ट के चक्कर लगाने में हुआ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि जब आपने रियो का मेडल जीता तो वो मेडल पकड़कर हाथ में क्या भावना आई। शायद मेरे लिए वो मेडल जीतना मेरी इंटीग्रिटी, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर आया। तो वही लोग जिन्होंने ये कहा था कि आ तो कतई कंडम हो गई, छोरी तो भगवानों की मरा करे, वही हरियाणा के खाप के लोग हज़ारों की तादाद में एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए थे, और आज
50 वर्ष की आयु में भी मैं सीख रही हूँ। मैं अब ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल की भी मेंबर हूँ और पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट भी हूँ, और साथ ही मेरे खेलों की वजह से मुझे एक सरकारी नौकरी भी मिली है जिसमें मैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में लॉ भी सीख रही हूँ। मैं बार बार शब्द सीखने पे जोर दे रही हूँ क्योंकि वो बात बिल्कुल सही है जब कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। हाय, तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। दीपा ने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के दम पर अपने मुश्किलों से उभर कर अपनी जिंदगी को एक सुहाना सफर बनाया। उनकी कहानी को सुनकर मुझे कई चीजें सीखने को मिली और मैं आशा करता हूं कि आपका अनुभव भी वैसा रहा हो। तो दोस्तों, मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा जोश और जुनून से भरी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द जोश टॉक्स पॉडकास्ट। खुदा हाफिज, जय हिंद। 15 minutes could save you 15% or more. Oh, that's a cheer we used to do in softball. What? It's actually Geico's. Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying. The phrase is from Geico because they helped save people money. Geico? Yeah, they were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more.